हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभिषेक। आज हम डिस्कस करेंगे एक सॉल्व न्यूमेरिकल ऑफ यूलर्स थ्योरम। गाइज, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी बार। ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे कि डिफाइन यूलर्स थ्योरम, और एक क्वेश्चन दे देंगे कि सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें पावर बहुत बड़ी है। कई बार क्या होता है, इतनी बड़ी हमारे को एक्सपोनेंट देते हैं कि हमसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व करेंगे तो नहीं होता है। कई बार बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो सिंपल विल सॉल्व दिस नाउ, लेट्स सी। गाइज, अगर आपने यूलर्स थ्योरम का वीडियो नहीं देखा है तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऊपर आई बटन में मिल जाएगी तो आप चेक कर सकते हैं। एंड इससे पहले गाइस अप्रॉक्सिमेटली 34-35 वीडियोस डल चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब गाइस, यूलर्स थ्योरम क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं एक्स की पावर फाइव ऑफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलस ऑफ एन। फाइव ऑफ एन हमारा क्या होता था फ्रेंड्स, हमारा होता था यूलर्स ट्यूशन फंक्शन। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड योर एक्स एंड एन शुड बी कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो हमने यही चीज यूज करके इस पर हमने अप्लाई किया है और इसको हमने वैल्यू सॉल्व करी है। नाउ लेट्स सी गाइस, एक्स की पावर फाइव एन मॉड इक्वल टू वन मॉड एन हमारा होता है, कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड एन। तो हमने वही चीज़ देखी है, मॉडुलस ऑफ एन। तो एन की वैल्यू आपकी होगी 35 एंड फाइव ऑफ एन की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू आपकी होगी 4। ओके, तो बाय अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम सिंपल हमने लिखा, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं सिंपली, 4 की पावर 5 ऑफ 35 इज इक्वल टू 1 मॉड 35। फिर हमने इसको सिंपल सॉल्व किया फ्रेंड्स, 5 ऑफ 35 को। सो फ्रेंड्स, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे कोई नंबर गिवन है 5 ऑफ एन, उसको हम ब्रेक अगर कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। ऐसे करके सिंपल 5 ऑफ ए इंटू 5 ऑफ बी में कर सकते हैं ब्रेक, एंड सिंपली 5 ऑफ 7 इंटू 5 ऑफ 5 में ब्रेक किया। फिर ये हमारे दोनों क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। और सिंपली गाइस, प्राइम नंबर का हमारा अगर 5 ऑफ एन हमारा सपोज एन जो प्राइम, तो वैल्यू क्या होती है, एन माइनस 1। तो सिंपली 6 का हो गया, 7 का हो गया 7 माइनस 1 दैट इज 6। एंड फ्रेंड्स, 5 का हो गया सिंपली 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो 6 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 24। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है गाइस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इलस्ट्रेशन फंक्शन है हमारा एक वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। तो सिंपल इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ गया, 24। सो दैट्स व्हाई 4 की पावर 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, 1 मॉडुलस ऑफ 35। सो यूलर्स थ्योरम लगाने के बाद गाइस हमारा इन वैल्यूज पे सिंपल ये हमारा एक इक्वेशन आ चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे गाइस, हमें 4 की पावर 24 हमने देखा, उसको हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में पावर गिवन है 4 की पावर 99, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि वो मल्टीपल हो 24 का सिंपल। तो हमने वही किया, 4 की पावर 99 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 की पावर 24 इंटू 4 प्लस 3, मतलब ये कह रहा हूँ मैं 4 की पावर 24 इंटू 4 प्लस 3 में इसको ब्रेक कर सकते हैं सिंपल। और फिर इसके बाद इस स्टेप के बाद मैंने सिंपली डायरेक्ट लिख दिया 4 की पावर 24 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब। ओके, इंडिसेस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल। नाउ गाइस, सिंपली इसके जो मल्टीपल्स थे इसको हमने यहाँ पे लिखा एंड मॉडुलस ऑफ 35। अब देख सकते हैं वही मैंने यहीं पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, 24 इंटू 4 प्लस 3 इसको लिखेंगे तो हमारा 99 हो जाएगा। तो 4 की पावर 99 मॉडुलस 35 हो जाएगा हमारा सिंपल। देन आफ्टरवर्ड्स 4 की पावर 24 इंटू 4 और इसको हमने ब्रेक किया। अब हमको पता है, हमने जब सॉल्व किया कि 4 की पावर 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, 1 मॉडुलस ऑफ 35। सो दैट्स व्हाई आपका 4 की पावर 24 मॉडुलस ऑफ 35 जो हमारी वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। अभी हमारी हो जाएगी 1 सिंपल। अभी कुछ पूछ सकते हैं 1 कैसे हो सकती है, कि ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में है ना 4 की पावर 3 भी इसके साथ। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है गाइस मॉडुलस की भी, a इनटू b मॉड n अगर आपके पास है तो a मॉड n और b मॉड n को आप अलग अलग उन दोनों में मॉडुलस अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज थी, इसके साथ आप मॉड 35 कीजिए, इसके साथ मॉड 35 अप्लाई कीजिए। तो सिंपल इसके साथ हमने जब मॉड 35 किया तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, 4 की पावर 24 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 35। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर आ गया हमारा 1 एंड 4 क्यूब मॉड 35 को हम सॉल्व करेंगे सिंपल। तो दैट्स व्हाई ये आ गया 1 इंटू 4 क्यूब मॉड 35, इसकी वैल्यू होगी 64। इसको हम 35 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट द रिमाइंडर एज 29। तो सिंपली 4 की पावर 99 मॉडुलस ऑफ 35 इज इक्वल टू व्हाट, 29। अब गाइस कुछ स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे तो हमारा 4 की पावर 23 था कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 35 के, यहाँ पे तो 4 की पावर 24 की पावर भी 4 है और मॉड 35 है, तो यहाँ पे हमारा 1 कैसे आ रहा है, तो हम वो देखते हैं। वैसे मैं आपको ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ गाइस, जब मैंने इलस्ट्रेशन फंक्शन डिस्कस किया था, फिर भी यहाँ देख लेते हैं एक बारी। एक्स की पावर फाइव क्या होता है, 1 मॉड n होता है सिंपल आपका। एक और वेरिएंट दैट इज एक्स की पावर फाइव को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, इसका मल्टीपल अगर वो बन जाएगा सिंपल है ना। सो गाइस अगर आपका यहाँ पे 2 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, तो मल्टीपल ऑफ 2 ही रहेगा ना। सो दैट्स व्हाई 1 मॉड n के कॉन्ग्रुएंट रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, अब जैसे कि इस केस में हमारा क्या आ रहा था, 4 की पावर 24 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 की पावर 24 वाज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलस ऑफ 35। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे 24 से 4 या फिर 24 से 3, तो इसके बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे 35 से, तो सिंपली विल गेट द रिमाइंडर एज 1। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है। सो गाइज लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 3 की पावर 302 मॉडुलस ऑफ 13। अब यूलर्स थ्योरम क्या होता है हमारा, एक्स की पावर 5 ऑफ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलस ऑफ एन, एंड सिंपली हमारा एक्स और एन जो है को प्राइम होना चाहिए। इस केस में है यस, 3 और 13 आर को प्राइम नंबर्स। अब हमने 5 ऑफ 13 निकाल लिया क्योंकि हमको यहाँ पे जरूरत पड़नी थी प्राइम नंबर्स के लिए। हमारी 5 की वैल्यू क्या होती है, अगर ये हमारा 5 ऑफ प्राइम कोई वैल्यू है तो प्राइम वैल्यू जो भी होगी हमारा नंबर माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा 13 थी वैल्यू, तो 13 माइनस 1 12 हो गया सिंपल। सो यूलर्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलस ऑफ 12। ओके, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे,
302 की पावर को ब्रेक करेंगे 12 के मल्टीपल्स में, ओके वही चीज हमने यहाँ पे करी है। देखिए 3 की पावर 12 इंटू 16 प्लस 10, अब 12 इंटू 16 हम करेंगे तो सिंपली हमारा हो जाएगा 292 और उसमें 10 ऐड कर देंगे मॉडुलस ऑफ 13 एंड सिंपली का इसको ब्रेक कर दिया जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में समझा था एंड सिंपली 3 की पावर 12 मॉडुलस ऑफ 13 हमारा 1 हो जाएगा जैसे हमने अभी पीछे समझा था एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारा 3 की पावर 12 इसकी होल पावर 16 मॉडुलस ऑफ 13 हमारा हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 एंड सिंपली 3 की पावर 10 मॉड 13 हमारा बचा। अब गाइस हमारा 3 की पावर 10 मॉड 13 जब बचा है तो हम इसको फर्दर 12 की पावर में ब्रेक नहीं कर सकते, तो व्हाट विल डू इज हम इसी को ब्रेक कर देंगे 3 की पावर्स में सिंपल। तो ऐसा हम नंबर लेंगे जो कि 13 से बड़ा है 3 का मल्टीपल, तो 3 3 9 होता है वो हम नहीं ले सकते, 3 3 9 एंड इंटू 3 उसका 27 हो जाएगा। तो दैट्स वाई 27 मॉडुलस ऑफ 13 आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको हमने 3 की पावर में ब्रेक कर दिया, तो 3 क्यूब इंटू 3 की पावर 1 मॉडुलस ऑफ 13 एंड सिंपली सब पे इंडिविजुअल हमने मॉडुलस ऑपरेशन लगाया, तो 27 को आप मॉड 13 करोगे तो 1 बचेगा, सो दैट्स वाई 1 इंटू 1 आपको यहाँ पे सॉल्व करके आएगा एंड सिंपली 3 मॉड 13 इज 3, सो दैट्स वाई आपका आंसर आ गया फाइनल वर्ड 3। तो गाइज ये था हमारा एक और एग्जाम्पल एंड गाइज अभी हमने डिस्कस किया था कि a इंटू बी मॉड n हमारा सिंपली होता है a मॉडुलस ऑफ n इंटू बी मॉडुलस ऑफ n, गाइज हम इसका होल मॉडुलस ऑफ n भी करते हैं, ठीक है ये आप सही कर लेना एंड सिंपली इसका भी हम होल मॉडुलस ऑफ n करेंगे। सिंपली इसको सॉल्व करोगे पूरी वैल्यूज का आप सॉल्व करने के बाद मॉडुलस ऑफ n ऑपरेशन निकालोगे तो सिंपली 29 मॉडुलस ऑफ n दैट इज 35, तो सिंपली आपका आंसर वही आना, ठीक है। अब कई ये हम दोबारा से मॉडुलस क्यों कर रहे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है वैसे तो, बट समझाने के लिए फिर भी जस्ट इन केस आपका यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कोई वैल्यू आए सपोज 3 4 या 3 आ रही है सपोज एग्जांपल, और यहाँ पे हमारी कोई बड़ी वैल्यू आ रही है जैसे 29, तो 3 × 29 आपका फिर से बड़ा नंबर हो गया, तो दैट्स वाई इसको दोबारा मॉडुलस करोगे तो सिंपली आपकी 35 से छोटी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली इस केस में भी हम वही करेंगे, ये हमारे सारे मल्टीप्लिकेशन में मॉडुलस थे तो यहाँ पे भी हमारा मॉडर्न हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस मॉडुलस ऑफ एन, तो सिंपली आपका आंसर पे खैर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गाइज यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, सो इसको आप कर लेना अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अभिषेक DID नाम से आप सर्च कर सकते हैं। अंटिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय।